जय गुरु। चलिए आज हरिदा और राजेंद्र से श्री श्री ठाकुर जी का वार्तालाप से कुछ अंश आलोचना करेंगे। 20 मार्च 1945 हरिदा श्री श्री ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, जाजन से सभी जो लाभान्वित होते हैं ऐसी बात तो नहीं है? श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे, लाभान्वित न होने में उन लोगों की त्रुटि हो सकती है, तुम्हारी भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन तुम में जिससे त्रुटि ना रहे उससे देखना होगा। सभी जो नहीं सुधरेंगे सभी सुधरने लायक नहीं है, यह बात तो सही है, लेकिन तुमको जितना करना चाहिए वो करना होगा, जितना बताना है उतना ही करना होगा, और पराक्रम वो कौशल के साथ असत निरोध भी करना होगा, सभी तरह के अस्त्र हाथ में रखना होगा जिससे कोई भी बचकर ना निकल पाए, छल बल कौशल से वो करना होगा जिससे प्रत्येक का अच्छा हो। एक मनुष्य की बुराई यदि उसी में सीमावद्ध रहती है तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके माध्यम से परिवेश इन्फेक्टेड या संक्रमित हो सकता है, वही डर है, इसलिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। परिवेश को जैसे ठीक करना चाहिए वैसे ही मनुष्य के जन्म की तरह भी ध्यान देना चाहिए। जन अच्छा नहीं होने पर बाहर से तोड़ जोड़ करके ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग को ऋषिगण विवाह विधान के संबंध में इतना कठोर थे। राष्ट्र की भलाई जो चाहते हैं सबसे पहले उन लोगों को इस तरफ ध्यान देना होगा। आलोचना प्रसंग भाग 6। राजेंद्र मजुमदार था शिष्य ठाकुर जी से पूछ रहे, परिवेश का कोई यदि अपने चाल चलन के दोष के कारण बीमारी अशांति में रहता है, इसमें दूसरों से क्या संबंध है? शिष्य ठाकुर बोल रहे, संबंध है जाजन का, संबंध है सेवा का, संबंध है असत निरोध का। हाथ बढ़ाकर यदि निराकरण परायण न होते हैं तब अपकर्म जो करता है उसके साथ ही साथ तुमको भी दुर्भाग्य भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जितना भी सात चलन से चले ना क्यों, परिवेश को यदि साध्यानुसार संभाल नहीं सकता है तब अक्षमता के कारण थोड़ा बहुत उसकी क्षति होगी ही। व्यक्ति के लिए समष्टि है, जन के लिए राष्ट्र है, प्रत्येक व्यष्टि है देहारूपी समाज का एक एक अंग। इसके किसी भी अंग में क्षति होने पर प्रत्येक अंग पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी, इसलिए हो सके तो किसी को बुरा बनने नहीं देना चाहिए, स्वयं अच्छा बनना चाहिए, दूसरे को भी अच्छा बनना चाहिए। कौन कितना अच्छा है उसका एक प्रधान परख है, वो परिवेश को कितनी अच्छाई की और मोल्ड या नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ नीतिगत बात करने से नहीं होगा, नीति जिनमें मूर्त है उनको प्रसारित करना होगा, और यही है जाजन। जय गुरु।